प्रोग्राम 13 और 14 अक्टूबर को निशुराज रिसोर्ट में 6 से 11 बजे तक चलेगा ये। और रिस्पांस हमें जो मिल रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, पब्लिकली, वैसे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मकसद यही है कि सब लोग, इंडिया इतना अपना कल्चरल देश है, इतने तरह तरह की संस्कृति के लोग हैं, सब एक दूसरे को अच्छे से जानें। अभी तक हम सिर्फ सुन रहे थे कि गरबा या टीवी में देख रहे हैं, ठीक है, अब हम खुद उसको हम खेल रहे हैं। बाहर से ट्रुप आ रहा है इसलिए भावनगर से कि स्पेशली लोगों को, मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट होके अच्छे से गुजराती संस्कृति को हम बहुत अच्छे से जान पाएं। नवरात्रि के अवसर पर सिरसा में पहली बार डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जा रहा है। सिरसा के हिसार रोड पर स्थित निशुराज रिजोर्ट में यह आयोजन ठेठ गुजराती अंदाज में होगा। डांडिया का यह कार्यक्रम 13 और 14 अक्टूबर को शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए गुजरात के भावनगर से खास तौर पर डांडिया डांसरों की टीम भी बुलाई जा रही है। सिरसा की जनता से मिले रिस्पांस से आयोजक काफ़ी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों के लिए कई तरह के कंपटीशन पुरस्कार और लक्की ड्रा भी रखे गए हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सिरसा के लोगों की ट्रेनिंग का काम पूरा हो चुका है। कार्यक्रम के साथ खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। आयोजक शालू की बात आपने सुनी। चलो अब अंकित से हम आयोजन के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। पहले से चीज चलती रही है क्योंकि हम सिरसा को तो कह सकते हैं कि लिए नया है, लेकिन हिसार में चीज़ हम करते रहे तो इसलिए ऐसा नहीं लगा कि यहाँ के लिए कुछ नया लोगों को हम वैसा अलग बता पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर था कि ठीक है, लोगों ने अभी तक इस चीज़ को देखा नहीं है, समझा नहीं है या इन्जॉय नहीं किया, तो वो थोड़ा सा एक चीज़ माइंड में थी कि लोगों को हम कैसे इस चीज़ को मैसेज दे पाएंगे कि ये वाकई में ये होने वाला है। तो उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करें, तो उद्देश्य ये था कि संस्कृति का तो जानकारी होगा ही होगा, साथ में लोग एक दूसरे के लिए टाइम निकाल पाएंगे। तो एक उद्देश्य ये था कि हम ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करें और सिरसा में यूँ करना कि यहाँ पहले हुआ नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम इन सिरसा हो रहा है, तो उसका एक मेन रीज़न ये भी था। सर देखिए, इनवाइटीज़ हमारे पास, गेस्ट तो हमने पूरी पब्लिक को इनवाइट किया एज इन सिरसा, अगर मैं बात करूँ दूसरा, लेकिन एक टारगेट ऑडियंस फिर भी यही है कि एक अच्छी फैमिली, हमने इसीलिए निशुराज रिसॉर्ट्स के लिए प्लान किया और थैंकफुल टू निशुराज के उसने हमारे पास एन वेन्यू स्पॉन्सर दिया है। और पब्लिक का अराउंड हम मान के चलते 1000 लोग एक दिन के अंदर वहाँ पर कम से कम एज एन गेस्ट वहाँ पर एंटरटेन होंगे। ड्रेस कोड हमने स्पेसिफिकली कोई डांडिया ड्रेस कोड नहीं रखा, कलर थीम जरूर प्लान किया है। 13 तारीख के लिए हमने एक रेड कलर का थीम प्लान किया है, 14 के लिए ग्रीन कलर का, और उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है, पब्लिक अपने किसी भी ड्रेस कोड में आ सकती है। ड्रेस कोड देने का रीज़न ये है कि एक एटमॉस्फेयर अच्छा फील हो, कोई भी आए तो उसे लगे यार एक ही लोग कलर में है, तो उनको एक फीलिंग अच्छी फीलिंग आए। कॉम्पिटिशन हमने बहुत सारे डिज़ाइन किए हैं वहाँ पे, डांडिया किड्स है, डांडिया कपल है, डांडिया क्वीन है, सीनियर सिटीजन है, हमने किटीज़ ग्रुप को भी एक प्लान किया है कि डांडिया का स्पेसिफिक उनका एक कॉम्पिटिशन कराया जाए, और बहुत सारे सरप्राइजेज भी हैं। और जैसा कि अभी आपको मैसेज शालू जी ने भी दिया है कि हमने डांडिया के लिए गुजरात से स्पेशल टीम इन्वाइट की है, वो यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ लोगों के बीच में एंटरटेनमेंट करेगी, लोगों को डांडिया खेलना भी सिखाएगी और एंजॉय भी कराएगी। इतने वाले के लिए गिफ्ट्स रखे हमने, सरप्राइजेज। इसके अलावा सर, हमने 100 एंट्रीज, जो हमारी फर्स्ट 100 एंट्रीज रहेंगी, फुल फैमिली, हस्बैंड वाइफ किड्स विद, अगर दादा दादी के साथ रहते हैं तो उनमें से हम लकी ड्रॉ निकालेंगे, और उनमें से जो भी उसका लकी ड्रॉ का विनर रहेगा एज एन टोकन ऑफ लव हम 5100 रुपये देंगे। दोस्तों, कार्यक्रम की सफलता के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।